बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक बच्चा अपने चचा के साथ मस्जिद नबी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया करता था। छोटा बच्चा था, चचा की उंगली पकड़कर आया करता था। एक दिन वो बच्चा अकेले मस्जिद नबी में आ गया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कयामत का ज़िक्र फरमा रहे थे। बच्चे ने घर जाकर अपने चचा से कहा, चचा आज मैंने ऐसी बातें सुनी हैं जैसे मैं कयामत को देख रहा हूँ। चचा मुनाफिक था, उसने एक कलमा पढ़ा और कहने लगा, अगर ये सब सच है फिर तो हम औरतों से भी पीछे हैं और खोतों से भी बदतर हैं। बच्चे ने जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में ये सुना तो बहुत ज़्यादा दिल बर्दाश्ता हो गया और चचा से कहने लगा, मेरे पास दो रास्ते हैं, या तो मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाकर आपकी ये बात बता दूं और आपसे रास्ता अलग कर लूं, और अगर ना बताऊं तो आपका साथी कहलाऊंगा। सुनो छोटा बच्चा क्या कह रहा है। अपने चचा से अल्लाह की कसम, दुनिया में सबसे ज़्यादा मोहब्बत मुझे आपसे थी। आप मुझे मेरे महबूब के पास ले जाया करते थे, लेकिन जब आपने मेरे महबूब की शान में ये बात कही तो अल्लाह की कसम दुनिया में सबसे ज़्यादा नफ़रत आपसे हो गई। ये कहकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचा और कहने लगा, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे चचा ने आपकी शान में कुछ बातें कही हैं। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप गवाह रहना और मेरा अल्लाह गवाह रहे, मैं आज आपके सामने अपने चचा से बरात का ऐलान करता हूँ। आज के बाद उनसे मेरा कोई रिश्ता नहीं। सहाबा कराम हैरान हो रह गए। इतना छोटा बच्चा और इतनी बड़ी बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आपके चचा ने क्या कहा है? तो उसने सारी बातें बता दी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा कि इसके बारे में आपका क्या ख्याल है। सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा कि छोटा बच्चा है, शायद उसने पूरी बात सुनी ना हो। चचा को बुलाया तो वो कस्में खाने लगा कि मैंने ऐसी बात नहीं की। बच्चे ने आसमां की तरफ देखा और कहने लगा, या अल्लाह, अगर मैं सच्चा हूँ तो मेरे हक में गवाही देना, और अगर झूठा हूँ तो गवाही ना देना। अभी हाथ नीचे नहीं पहुँचे थे कि जिब्राइल अमीन आ गए। यहलिफून बिल्लाहि मा कालू वलकद कालू कलिमतुल कुफ्र वकफरू बादिल इस्लामिहिम। तर्जुमा, वो मुनाफिक अल्लाह की कसम खाते हैं कि उन्होंने नहीं कहा, हालांकि बेशक उन्होंने कलमाए कुफ्रिया कहा है और वो अपने इस्लाम के बाद काफिर हो गए हैं। इसके बाद जब भी ये बच्चा आता था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश आमदेद कहते थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने अपने दौरे खिलाफत में इस बच्चे को हम्मास का गवर्नर मुकर्रर कर दिया। उसकी वफ़ात के बाद उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हों को काफ़ी दुख हुआ। कहने लगे, मुझे ऐसा बंदा कहाँ मिलेगा जिसकी सच्चाई की तस्दीक अल्लाह ने खुद की हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा।